दोस्तों सुबह सवेरे की हमारी बैठक में फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म दीवानापन के निर्देशक आशु त्रिखा, फिल्म के एसोसिएट प्रोड्यूसर जैकी भगनानी और फिल्म की अभिनेत्री दिया मिर्जा। तो आइए दोस्तों मिलते हैं इन तीनों से और जानते हैं इस फिल्म के बारे में। आप तीनों का सुबह सवेरे में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है सुबह सवेरे में। आशु जी, सबसे पहले तो हम आपकी इस मूवी दीवानापन के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या दीवानगी है इस मूवी में? प्यार की दीवानगी। स्टोरी लाइन किस तरह की है इसमें? कहानी प्यार पर बेस्ड है, इंटेंस हो जाती है। दीवानापन जैसे टाइटल सजेस्ट करता है, एक हद तक टेस्ट करता है कि प्यार की दीवानगी में इंसान किस हद तक जा सकता है। जी, कहानी एक तरह से कहा जा सकता है कि विनोद खन्ना की कमबैक फिल्म है, तो उनको कैसे राजी किया? ये किरदार पहले से ही आपके जहन में था? किरदार तो जहन में था, और मुझे नहीं लगता कि विनोद जी को छोड़कर कोई और इसको इससे ज़्यादा बेहतर निभा पाता। पर कमबैक फिल्म है कि नहीं ये तो खैर रिलीज के बाद पता चलेगी, बट एक हिसाब से बहुत सालों बाद इस फिल्म में वापस दर्शकों को दिखेंगे। बिल्कुल, उस लिहाज से कमबैक है। कितना मुश्किल या कितना आसान था उनको इस फिल्म के लिए राजी करना? नहीं, क्या होता है हर एक्टर जो है वो ये देखना चाहता है कि मुझे कितना किस हद तक यूज़ किया जाएगा फिल्म में, मुझे कितना स्कोप है काम करने में, वो बेशक वेटरन हो या नया आदमी हो। हर इंसान को एक वो होता है कि मैं प्रूव करूँ कि इस फिल्म के जरिए मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर वो आप नहीं दिखा सकते हैं तो कोई भी एक्टर जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होगा। और जैकी, आप इस फिल्म के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं और इस फिल्म के प्रमोशन और मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में काफ़ी ध्यान दिया है आपने, तो कुछ हटके कर रहे हैं इसकी मार्केटिंग के लिए आप क्या? हाँ, कुछ हटके, जैसे कि हम लोग एक कभी रोड शो प्लान कर रहे हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू बॉम्बे, वी आर गोइंग टू सॉरी नॉट बॉम्बे, दिल्ली एंड कलकत्ता, एंड वी डूइंग प्रीमियर्स एंड रोड शोज देयर एंड शोइंग पब्लिक व्हाट आवर प्रोडक्ट इज। तो क्या दिखाते हैं हम रोड शोज में बेसिकली? फिल्म की क्लिपिंग्स दिखाते हैं, फिल्म की क्लिपिंग, सम सॉन्ग्स, थोड़ा बहुत एक्शन, थोड़ा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। नहीं, आगे आपको नहीं लगता है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट इंडिया में आ रहा है काफी, प्रमोशनल स्ट्रेटजीज, रोड शोज और इस तरह का? या इट्स गुड, नो, अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए क्या कुछ ऐसा भी है कि फिल्म के स्टार्स भी आपके उन स्पेशल स्क्रीनिंग्स में होंगे? जी हाँ, हम यहाँ मैं वो तो सरासर यहाँ मौजूद है। कि आप एक फिल्म के बाद ये दूसरी फिल्म आपकी रिलीज होने वाली है, तो क्या अब कैसा महसूस कर रही हैं? एंजाइटी लेवल्स बहुत बढ़ गई हैं। पहली फिल्म के लिए नर्वसनेस थोड़ी सी थी, पर एक उतना डर नहीं था, पर जब आपको पता लगता है कि आपकी अभी पिक्चर रिलीज हुई है, वो चल रही है अभी और दूसरी रिलीज होने वाली है, तो एक डर सा लगता है कि लोग पता नहीं कैसे एक्सेप्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं दिख रही हूँ मैं। उस फिल्म के और इस फिल्म का कंपैरिजन में क्या अंतर है, मतलब उसमें आपने जो कैरेक्टर प्ले किया और इसमें कैरेक्टर? दोनों फिल्म में मेरा कैरेक्टर कम्प्लीटली डिफरेंट है। रहना है तेरे दिल में मैं एक बहुत संभली हुई लड़की हूँ, बहुत मैच्योर कैरेक्टर हूँ, एक 20-21 साल की लड़की जो इंडिपेंडेंट है, अकेली रहती है, काम करती है। यहाँ पर इन दीवानापन आई प्ले अ वेरी बबली, vivacious, sensitive, sweet. Your true self. Bubbly, vivacious. The roles are drastically different. I think that's the best thing about the fact Deewanapan is releasing after. इस फिल्म में अर्जुन रामपाल हैं आपके साथ, विनोद खन्ना जी के साथ भी आप काम कर रही हैं, तो कैसा अनुभव रहा? विनोद जी के साथ काम करने में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उतने माने इस सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम करने में एक एक्सपीरियंस लेवल बहुत अलग हो जाता है, क्योंकि उनका काम और उनका जो अप्रोच होता है सेट पर कोई भी सीन के साथ, वो न्यूकमर्स में नहीं देखने को मिलता है। आई मीन फॉर मी इट वाज अ वेरी एजुकेटिव एक्सपीरियंस, आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। कुछ उनके साथ जो आपके सीन से कुछ क्या कभी घबराहट भी महसूस होती थी? एक सीन बहुत खूबसूरत सीन है, जो जब मैंने पहले सुना था वो सीन, तब मुझे लगा था कि सीन करने में बहुत बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि इट्स अ वेरी सेंसिटिव सीन। बोथ कैरेक्टर्स डोंट से टू मच टू ईच अदर, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ डेथ इन एवरी सेंटेंस अटर्ड बाय बोथ द कैरेक्टर्स, एंड इट वॉज द ओनली ट्रू फादर डॉटर कन्फ्रंटेशन सीन, एंड it wasn't, it's not a regular confrontation scene ki main tumhe kamre mein band kar dunga, you know, it's a very normal, natural, wonderful scene which I was very nervous
you know, doing before I actually got down to doing it. But हम लोग जब sets पे गए और हम लोग ने scene शुरू किया, पता ही नहीं लगा कि scene कब शुरू हुआ. हाँ, बहुत मैंने उनके साथ काम करने में वही सबसे खासियत थी. इस film के director भी आपके साथ फिलहाल बैठे हैं यहाँ set पे, तो इनके बारे में कुछ बताइए. I think Ashu gave each and every person on the sets of Deewanapan enough space to do what came most naturally to us. Mm-hmm. The best thing about working with him was that wo choti choti cheeze aake batate the shooting ke time pe ki aise karke dekho shayad. Aur ab jab aap bahar wapas jaake wo scene dekhte ho, aapko samajh aata hai ki wo choti choti baaton ne पूरा सीन बदल जाता और उसको इतना अच्छा बना दिया. इट जस्ट चेंजेस द होल पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ यू अप्रोच अ सीन. और आशु जी, आप क्या कहेंगे इनके बारे में कि वाज शी रियली ओबीडिएंट जो ये कह रही है. नो, बट व्हाट हैपेंड वाज इट वाज वेरी सरप्राइजिंग. उसने आकर के पहला शॉट दिया मेरे साथ साउथ अफ्रीका में. और जब उसने पहला शॉट दिया तो मैंने शॉट को ओके किया. अच्छा. फिर इसने आकर बोला, नहीं, मुझे एक और करना है. mm-hmm. तो मैंने कहा, बताओ क्यों करना है. mm-hmm. तो उसने बताया कि मेरे से मुझे लगता है मैं ये अगर करूं mm-hmm. तो इससे बेहतर होगा. और उसने मुझे कुछ ऐसे सवाल किए उस वक्त जो एक न्यूकमर इतनी इजीली नहीं करता है. uh-huh. तो मुझे लगा कि ये जो लड़की बोल रही है ये शायद डिलीवर कर पाएगी. mm-hmm. तो मैंने उसको एक और शॉट दिया और उसने किया वो शॉट. तो एक वो सीखने की चाहत जो होती है ना, वो पहले शॉट में देख ली थी. ऑब्वियसली पहला शॉट कर रही है, पहली फिल्म कर रही है, तो आदमी तो सीख करके आता नहीं है. बिल्कुल. मतलब नया यूनिट होता है, नए लोग होते हैं और एक हिचकिचाहट भी होती है अंदर से. हिचकिचाहट होती है, कैमरा है, 50 लोग नए हैं, जी. किस किस्म से क्या चाहिए, क्या एनवायरमेंट है. बट इस फिल्म की शुरुआत से लेके फिल्म की एंड तक मुझे लगता है शी इज really grown hell of a lot. Good. और आशु, आप वाशु भगनानी के सुपुत्र हैं, तो उनके ही छत्र चाय. जैकी, आप वाशु भगनानी के सुपुत्र हैं, तो उनके साथ इस फिल्म में काम करके कैसा लग रहा है? इज इट योर फर्स्ट वेंचर, आपका पहला वेंचर है क्या? तो कैसा महसूस कर रहे हैं सारे स्टार्स के साथ काम करके? कभी इंटरेक्ट तो किया होगा सेट्स पे? डेफिनेटली बचपन में किया तो होगा, बट इट वाज गोइंग इन मीटिंग देम, दिस वाज वर्किंग. आई एंजॉयड इट अ लॉट. एंड मैंने बोला कि 16 साल का बच्चा मेरे को लाइक कौन लेगा ध्यान. दे टेक मी एज एसोसिएट प्रोड्यूसर, बट देन दे टुक मी एज इट ऑन द सेट्स. आई दे ट्रीटेड मी एज एन आफ्टर. वर यू नॉटी? प्रैंक? या, वेरी. तो क्या टेक हिज जॉब सीरियसली? आई थिंक ही इज डन अ गुड जॉब. तो जैकी के आगे इसी को परस्यू करने का इरादा है, पूरी तरह आप फिल्मों से ही जुड़ना चाहेंगे आगे भी? तो डू यू प्लान टू डू एनीथिंग स्पेशल कोर्स इस लाइन में करना चाहेंगे, या आपने ऑन द फील्ड एक्सपीरियंस से ही सीखना चाहेंगे? आई वुड लव टू स्टडी एंड माय मेन एम इज टू बिकम अ डायरेक्टर. टू बिकम अ डायरेक्टर. आशु जी, ये बताइए कि आप एड वर्ल्ड से काफी अरसे से जुड़े रहे हैं, तो अब ये आपकी पहली फिल्म है, इसको डायरेक्ट करने में क्या डिफरेंसेस महसूस किया आपने? स्केल का कितना फर्क महसूस किया? स्केलिंग का फर्क तो बहुत ज्यादा है. जो एक आपने किस्सा या जो एक आपने चीज़ 30 सेकंड में कहनी है, यहाँ आपको 2.5 घंटे मिल रहा है. जी. और क्या हुआ है कि जब से टेलीविज़न शुरू हुआ है, एक ऑडियंस की जो पेशेंस लेवल है वो ड्रॉप होती गई है. जी. मतलब आप अगर 2.5 घंटे की कहानी आप कहना चाह रहे हैं और अगर आप उसको इफेक्टिवली नहीं कहेंगे, तो आई थिंक यू विल लूज़ योर ऑडियंस विद इन नो टाइम. सो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया. 2.5 घंटे तक एक आदमी को बांध के रखना है स्क्रीन के साथ. जी. इतना आसान नहीं है. पर जो स्क्रीन का साइज है उसमें एक अपना चार्म है, उसमें एक अपना करिश्मा है, उसमें एक अपनी कशिश है जो ऑडियंस को बांध के रखती है. तो वो एक एडवांटेज आपको मिलता है. बिल्कुल, बिल्कुल. तो दैट्स द एडवांटेज विद व्हिच वन वर्क्ड विद. बट उसके बावजूद मुझे लगता है मीडियम जो है जी, टेलीविजन और फीचर फिल्म का मीडियम, दो मायनों में अलग है. एक तो ये कि स्केलिंग अलग हो जाती है, दूसरा ड्यूरेशन लेंथ अलग हो जाता है. जी. बट काम दोनों ही उतने टफ है. एक और चीज़ आपसे पूछेंगे आशु जी, आजकल काफ़ी यूथ ओरिएंटेड फिल्म्स बन रही हैं, तो ऐसे में दीवानापन को आप क्या कहेंगे कि क्या खूबी है, क्या खासियत है? व्हाट इज दीवानापन? मैंने पहले भी कहा, दीवानापन जो है
इट इज मैडनेस ऑफ लव जी, प्यार. अब प्यार जो चीज है वो इंसान को 16-18 साल की उम्र में भी हो सकता है और 60 साल की उम्र में भी हो सकता है. तो इसमें 60 साल का तो प्यार नहीं है. 60 साल का प्यार नहीं है. नहीं, पर आप देखिए, अगर आपको आप फिल्म देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसमें एक उस किस्म का प्यार भी है. इसीलिए दीवानापन है, इसलिए खींच, एक अलग किस्म की खींच है. बहुत खूब आशु, दिया, जैकी, आप तीनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं आपकी ये जो मूवी है दीवानापन सुपर डुपर हिट हुए. और चलते चलते आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हमको यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा. वी आर वेरी हैप्पी दैट यू कॉल्ड अस हियर. वो जरूर आपकी फिल्म के बारे में लास्ट वर्ड्स कुछ सुनना चाहेंगे आप? हमारी फिल्म के बारे में मुझे लगता है प्रोड्यूसर बोलेंगे. प्लीज गो चेक द फिल्म आउट. वी वर्क्ड हार्ड एंड आई थिंक इट्स अ गुड मूवी. Good. And I appreciate your work. Good. बहुत बहुत शुक्रिया आप सुबह सवेरे मैच. And don't watch the pirate. Please. Very true. Go watch the movie in the theater. भाई सभी शुभकामनाएं आपके साथ हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया.